नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मॉस्को रशिया का एक ऐसा शहर है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं और यह रशिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। तो आज मैं बताने वाला हूं मॉस्को के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको काफ़ी हैरान कर सकती है। दोस्तों, मॉस्को का नाम मोस्क्वा नदी के अनुसार रखा गया और इस शहर को रशिया का ऐतिहासिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। रशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दो महाद्वीपों में आता है। रशिया का पूर्वी हिस्सा एशिया में आता है जबकि पश्चिमी हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है। यही कारण है कि मॉस्को को यूरोप का एक हिस्सा माना जाता है। मॉस्को पूरे यूरोप का सबसे बड़ा शहर है जो कि लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। मॉस्को की कुल आबादी लगभग 1,20,00,000 से भी अधिक है जो कि यूरोप के बहुत सारे देशों की आबादी से भी बहुत ज़्यादा है और मॉस्को में अलग एक देश बनने की क्षमता और सारी खूबियां मौजूद है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अरबपति मॉस्को में रहते हैं और मॉस्को में लगभग 80 से भी अधिक अरबपति रहते हैं जबकि न्यूयॉर्क में सिर्फ 64 अरबपति रहते हैं। मॉस्को की लगभग सभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन देखने में काफ़ी खूबसूरत है और इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में से माना जाता है। ऑफिस टाइम के दौरान यहाँ पे एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन का समय का अंतर सिर्फ 1.5 मिनट का ही होता है। मॉस्को में लगभग 120 से भी अधिक पार्क मौजूद है और ये शहर चारों तरफ से पार्कों के द्वारा घिरा है। यही कारण है कि मॉस्को को सिटी ऑफ पार्क भी कहा जाता है। मॉस्को को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक माना जाता है और यहाँ का ज़्यादातर पैसा पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आता है। मॉस्को में बेकार की मात्रा पूरे रशिया में सबसे कम है और यह कुल आबादी का 1% से भी कम है। वैसे तो रशिया की ज़्यादातर लड़कियाँ काफ़ी खूबसूरत होती हैं लेकिन मॉस्को की महिलाएँ काफ़ी मॉडर्न होने की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसके अलावा मॉस्को अपने नाइट लाइफ के लिए काफ़ी जाना जाता है। मॉस्को पूरे दुनिया में यहाँ की इमारतों की डिज़ाइन के लिए काफ़ी जाना जाता है और यहाँ की काफ़ी सारी इमारतें यहाँ पर सदियों से चली आ रही संस्कृति का एक हिस्सा माना जाता है। मॉस्को में रहने वाले लगभग 97% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और यहाँ का दूसरा धर्म इस्लाम है जो कि कुल आबादी का लगभग 4% है। मॉस्को की स्टेट यूनिवर्सिटी बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग मानी जाती है। मॉस्को में स्थित ओस्टाकिनो टावर पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा टीवी टावर है जो कि लगभग 540 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। मॉस्को में स्थित लेलिन लाइब्रेरी पूरे यूरोप का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है जहां की लगभग सभी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 4 करोड़ से भी अधिक चीज़ें यहां पर मिल सकता है। रशिया के ज़्यादातर हिस्से से मॉस्को का वेदर काफ़ी गर्म होता है जो कि पूरे रशिया में सबसे अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें।